नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। कहां हम हैं, किसके साथ हम हैं, ये बताने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसा नहीं है कि नोकझोंक नहीं होती है, होते हैं, ये उनके व्यक्तिगत मामले हैं। उनके बीच हम ना कभी आना चाहते हैं और ना ही हम कभी आएंगे जब तक कि हमें उसमें खुद सामने वाले की तरफ से इन्वॉल्व ना किया जाए। अगर कोई भी इंसान चाहता है कि मीडिया के माध्यम से उसकी बात सबके बीच में जाए तो हम उसको हमेशा ही साथ उनका देते आए हैं, हमेशा ही उनका साथ देंगे, लेकिन ना ही हम खुद उनको इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि आप इस मैटर के लिए बाहर आइए, मीडिया के सामने आइए। ये उनका निजी मामला होता है, ये उनका निजी फैसला होता है कि हम चाहते हैं कि मीडिया हमारा साथ दे। 3 दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें एडवोकेट अनिल ने अपनी वाइफ को लेकर जो भी बातें की थी, आज हमारे साथ उनकी वाइफ कोमल जांगड़ा हमारे साथ मौजूद है। उस वीडियो के अंत में भी हमने ये बात बोली थी कि अनिल जी ने अपना पक्ष रख दिया है, अगर कोमल जी भी अपना पक्ष रखना चाहती हैं तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और फाइनली वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी अपना पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ आई हैं, जनता के सामने आई हैं। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जिस तरह के इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए गए थे उन बातों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार कोमल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये बताइए, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। जैसे तो एक बात मैं आपसे कहना भी चाहूँगी और सवालात मैं आपसे बाद में भी करूँगी कि जनता आपको देख पा रही है, सुन पा रही है, क्योंकि जब उस समय हमने अनिल जी का इंटरव्यू जो हमने डाला था, जनता ने जब वो देखा था तो काफ़ी सारे लोगों ने हमारे पास ये कमेंट किए थे कि क्यों आप किसी के निजी मामले में घुस रहे हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या हमने आपसे किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट किया या फिर आप खुद चाहते थे कि ये मेरी बातें सबके सामने जाएँ? मैं खुद चाहती थी कि मेरी बातें, क्योंकि मेरे पति ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। अगर उन्होंने मेरे ऊपर करेक्टरलेस होने के इल्ज़ाम लगाए, साथ में उन्होंने ये बोला कि मेरे को गाड़ियों में पकड़ा है, अगर उन्होंने मुझे गाड़ियों में पकड़ा है तो आदमी है, कोई सिक्सर नहीं है कि भाई हाँ अपनी वाइफ को रोक नहीं सकते। अगर मुझे गाड़ी में देखा तो गाड़ी का नंबर होगा, ठीक है, उस बंदे का नाम होगा, किसके साथ वो हैं अभी एज प्रेजेंट उस बंदे का नाम होगा, तो वो कुछ आगे तो लेके आओ। क्योंकि कुछ टाइम पहले इन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाए थे कि मेरी वाइफ रात को 12 बजे घर से निकल के, क्योंकि डिवोर्स का केस इन्होंने मुझ पर फाइल कर रखा है, तो उसमें इन्होंने लिख रखा है कि मेरी वाइफ रात को 12 बजे घर से निकल के गई और वो किसी होटल में मैंने पकड़ी। तो मैडम, होटलों में वीडियोज़ होती हैं तो वो वीडियोज़ कहाँ हैं? अगर मेरे को पकड़ा है तो छोटी सी बात का आजकल तिल का ताड़ बनाने में टाइम नहीं लगता, तो जेन्युइन सी बात है, वो सबूत का है। अगर वो सच्चे हैं तो वो सबूत आगे लेके आए, अदरवाइज मेरे पास सबूत हैं, मैं खुद देती हूँ उनको कि भाई वो कैसे हैं और किस हिसाब से उन्होंने मेरे साथ आज तक किया है। वैसे तो ये गुत्थी काफ़ी उलझी हुई है क्योंकि दोनों ही पक्ष से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हस्बैंड के वाइफ के ऊपर, वाइफ के हस्बैंड के ऊपर। तो हम शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे अनिल जी ने बताया था कि आपकी शादी सिर्फ 8 दिनों के अंदर हो गई थी, तो क्या ये बात सच है कि क्या सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि आपने 8वें दिन शादी भी कर ली? जी मैम, क्योंकि मेरे फैमिली वालों ने थोड़ी सी इसके साथ मारपिटाई करी थी, क्योंकि हमारे ताऊ जी का शोरूम है, वहाँ पे इन्होंने, मतलब ये आए थे, मेरे फादर ने इनको कॉल किया था, इनके साथ मारपिटाई हुई, केस बन गया था इनके ऊपर, तो अखबारों में मेरा नाम आ गया। और मैं शुरू से ही, मतलब ये मानो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ताज़ा लाना ताज़ा खाना मेरे फादर साहब का यही काम है, भाई ताज़ा लाए ताज़ा बना के खाया, तो मतलब विचार ही मेरे शुरू से ऐसे रहे हैं। अखबारों में इन्होंने मेरा नाम डलवा दिया कि ऐसे ऐसे भाई कोमल जांगड़ा नाम की लड़की है, उसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से मतलब आज हम इसके फैमिली वालों ने केस डलवा दिया कि फिरौती मांगी है। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि एक आदमी के साथ अगर नाम जुड़ चुका है तो उसी के साथ परमानेंट जोड़ो, ठीक है। लेकिन अगर आपने, आपकी तरफ से भी और अनिल जी की तरफ से भी, शादी करने का फैसला आप लोगों ने ले लिया था, डिसीजन ले लिया था, ऐसा तो था नहीं कि बस आज सुबह आपने डिसीजन लिया और शाम तक शादी कर ली, तो जब न्यूज़पेपर में नाम तक आपका डलवा दिया था, फिर उसके बावजूद आपने इन्हीं से शादी कर ली, तो मैम क्या करती?
मेरे को एक बात बताओ, बदनामी से बेटर है जिसके साथ नाम जुड़ गया उसी के साथ परमानेंट रहो। और मैं तो अभी भी ये कहती हूँ, इन्होंने डिवोर्स फाइल कर रखा है, मैं डिवोर्स 1% भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पैर, मेरी मदर इन लो लगा लो, मेरे सासरे वाले लगा लो, मेरे बच्चों के नाम के पीछे इनका नाम लगा हुआ है, मैं वो नाम कभी लाइफ में नहीं मिटने दूंगी, क्योंकि मैं बिना आदमी के रह सकती हूँ मगर मेरे बच्चों को बिना बाप के नहीं रख सकती। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2011 में आपकी शादी हुई थी और 2022 आ गई है, 11 साल हो गए आपकी शादी को। तो जैसे अनिल जी ने कहा कि 2 साल आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक रहा था, 2 साल के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में जो है मतभेद शुरू हो गए और बात आज इतनी, नौबत इतनी आगे तक बढ़ गई कि आज उन्होंने आपके खिलाफ डिवोर्स का केस भी फाइल कर दिया। मैम कोई मतभेद नहीं हुए, देखो मैं थी, मतलब देखो मैं प्योर हिंदी बोलने वाली लड़की थी, मैं इनकी फैमिली में आई, मारवाड़ी फैमिली थी तो राजस्थानी बोलते थे, तो थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी मेरे को अजीब लगती थी। इसकी मम्मा मुझे कुछ कहती तो मेरे को ये, तेरी मम्मी ने मेरे को ये बोल दिया, ठीक है, तो काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते थे। मैंने इनको एक ही बात बोली, मैं बोल देखो तुम्हारी मम्मी से मेरी नहीं बनती। मगर वो जब टाइम बीतता गया, मेरे बच्चों के लिए मैंने उनका प्यार देखा और देखा, तो मतलब वो बातें अपने आप ही चेंज होती गई, ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी फैमिली में एडजस्ट होने में, आप समझते हो भाई शादी करके कोई बंदा आगे जाता है तो खाने पीने की भी कितनी हिचक रहती है फैमिली के अंदर, तो थोड़ी दिक्कत रहती थी। फिर मेरी पहली गुड़िया हुई, पहली गुड़िया होने के बाद मतलब केयर भी की इन्होंने, मैं ये नहीं कहती केयर नहीं की मेरी, काफ़ी केयर की, मगर सेकंड बात भाई गुड़िया का पहला जन्मदिन आया तब से, मतलब इनके मतलब ऐसे हैं, गुड़िया मेरी 1 साल की थी, पहला जन्मदिन था तो इनका फर्स्ट अफेयर मेरे सामने आया, रतिया की कोई लड़की थी MP सोत्तर की और उसका नाम था अमरजीत कौर, उसके साथ मतलब बातें ऐसी ऐसी हैं, मैं मीडिया में बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि मेरे आगे इनके फ़ोन का बैकअप आ गया था, तो मतलब मैंने मेरी सास को भी दिखाया, मम्मी जी ये बात ऐसे, मैंने फिर भी ये सोचा भाई ठीक है मेरी गुड़िया है, मैं कंटिन्यू करती हूँ लाइफ इस बंदे के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने फिर भी कंटिन्यू की, सब कुछ मतलब आगे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद अब 3 साल हो गए मैडम, 4 साल से ये मान के चलो, पहले कोई एक लड़की और थी ऑफिस में रखी हुई थी, ये थी अपने बैबलपुर से थोड़ी सी 7-8 किलोमीटर आगे कोई गांव पड़ता है वहाँ की थी, तो वो लड़की 5-7 दिन इनके घर रह के गई, घर रह के गई, बोली शादी करूँगी तो अनिल से करूँगी और किसी से नहीं करनी, ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें मेरे आगे आई थी। मैं उस समय, आप दोनों की शादी हो रखी थी जिस समय वो लड़की 1 हफ्ता घर रहने आई? हाँ जी। मैम जैसे आपने बताया कि आपकी पहली बेटी हो चुकी थी उस समय पे, तो ये बात भी हमारे सामने आई थी कि ये भी बोला गया है कि उनको बेटियां नहीं बेटा चाहिए था, इस वजह से भी कोई दिक्कत हुई आप लोगों के बीच में, तो क्या कितनी सच्चाई है इस बात? मैम ये 99% सच्चाई है, क्योंकि मेरी दूसरी बेटी होने के बाद इन्होंने मतलब वो काम कर दिए मेरे आगे, उस लेडीज़ के साथ मतलब रह के आना, ऐसे गले पे निशान, छाती पे निशान, मैंने इनकी मम्मा को भी बोला, तब मम्मी बोली कहते कोई बात नहीं देखते हैं, मैं बोली ठीक है मम्मी जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेंगे, ठीक है, ये करके आते हैं, मैं ठीक है मैं आराम से भी अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को लेके ऊपर कमरे में सो जाती, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। हाँ मैंने इनके एक बार कपड़े जरूर भगाए कि भाई आपने ये काम क्यों किया, मैं मेरी गलती निकाल लो, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोके देती, मैं कोई काम नहीं करके देती, अगर मेरी कोई गलती है तो 1% भी मेरी गलती निकाल, कोमल तू इस हिसाब से करती है और इस हिसाब से कर ले, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो मेरे को ये बोल भी कोमल ये काम तूने ऐसे नहीं है ऐसे करना था, अगर अगली बार वो गलती मिले तो मैं उस चीज़ की हकदार हूँ, ठीक है। मैंने फिर भी मतलब चलो ठीक है बार बार ये मतलब मान के चलो 4-5 बार ये कोइंसिडेंस हो चुका, भाई 3 महीने वहाँ रहेंगे 20 दिन मेरे पास आएंगे, 3 महीने वहाँ रहेंगे 20 दिन मेरे पास आएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने रूम ले रखा था यहाँ सैनिन मोहल्ले में रहती थी मैं, तब वहाँ ये मतलब 2 महीने रुक के आ जाते, अब ये मेरे पास आए थे जैसे लास्ट आए थे मेरे पास 2 दिसंबर को। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, कितने साल हो गए हैं कि जब वो पहले आपके पास कुछ दिन रुकते कुछ दिन वहाँ? 3.5 साल हो गए। अच्छा 3 साल से ये। तो जब पहली बार ही आपको ऐसा कुछ पता चला था तो आपने उसी समय सवाल या जवाब क्यों नहीं किए इनसे? उस टाइम मेरे पास मतलब मैं 6-7 मंथ प्रेगनेंट थी, ठीक है, तो मतलब इनको थोड़ा सा यूँ था, इन्होंने पूरी तरीके से बात मेरे सामने ओपन नहीं की थी, मगर जैसे दूसरी गुड़िया हुई, दूसरी गुड़िया होने के बाद इन्होंने मतलब मेरे को आज भी दिन ध्यान है,
इन्होंने मेरे को यूं बोला कि मेरे को अगर कुछ पैसे दे तो तेरी मेरी बात आगे बढ़े। अच्छा। मैंने 25,000 रुपये मेरे ऑफिस से बोल के 25,000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रखी है। आज के टाइम पे भी इनके अकाउंट में, अगर इनके पास अकाउंट की डिटेल है तो इनके फ़ोन मतलब अकाउंट में ट्रांजेक्शन मिल जाएगी। कैनरा बैंक का इनका अकाउंट था। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि शायद कमी आपकी तरफ से रहेगी, शायद आपने इतनी ढील इतनी छूट उनको दे दी कि जो एक बात शुरू में ही ख़त्म हो सकती थी वो बात शायद इतनी आगे तक बढ़ती ना। मैम डील मेरी पता क्या रही है, क्योंकि मैंने कभी इन पर प्रेशर नहीं डाला कि मुझे ये चीज़ चाहिए या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ला के दो, कहीं से भी ला के दो, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ, मैं जॉब करती थी। ठीक है, मैंने कभी इनसे ये नहीं मांगा कि भैया मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप ये ला के दो, या मुझे गोल्ड बनवा के दो या चांदी बनवा के दो। बल्कि गोल्ड जो अगर मैंने खुद की मेहनत से पैसा इकट्ठा करके अगर मैंने गोल्ड भी बनवाया है तो कहते कोमल इतने पैसों की जरूरत है, मैं ये लो। मैंने हर जगह मतलब इनका साथ दिया। अभी भी इनका क्या काम है, उस लेडीज़ के पास से मेरे पास आएंगे, गाड़ी खरीद देंगे। अब लास्ट टाइम इन्होंने स्विफ्ट ली थी, दिसंबर में ये मेरे पास आए थे, 2 दिसंबर को आए थे, इन्होंने 5 दिसंबर को पता नहीं 7 दिसंबर को स्विफ्ट गाड़ी ली थी, स्विफ्ट डिज़ायर। तो पैसे इकट्ठे किए, कोमल इतने पैसों की जरूरत है, मगर लो, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ भाई। ठीक है, 5,000 रुपये हमारा माँ बेटियों का तीनों का खर्चा होता है भाई, 2,500 किराया चल गया, 2,500 रुपये हमारे खाने के लगा लो, तो तनख्वाह में से भाई 3-4,000 रुपये बच जाते हैं, सेविंग हो जाया करती, तो वो इकट्ठा करके या फिर सैलरी एडवांस उठा के मैं इनको दे देती थी। मगर फिर गाड़ी मिलते ही फिर उसके पास भाग जाते, मतलब सब कुछ बेच बाच के तो वो मेरे पास आ गए, उसके बाद फिर वापस वहीं पे। तो ये कोई इशू नहीं होता, मतलब कितनी सैलरी आपकी? और अगर मैं बात करूँ, जब सबसे पहली बार आप मीडिया के सामने आए थे उस समय आपने ये बात बोली थी कि मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, मैं जॉब नहीं करती हूँ तो मुझे घर खर्च चाहिए, तो फिर बिना जॉब के फिर इनकम का सोर्स नहीं है, और आप कह रहे हो मैं जॉब भी करती थी। हाँ जी, जॉब मैं करती थी, मगर जब भी ये आते हैं, मैं पहले राजिंद्रा ये लक्ष्य सिक्योरिटी में काम करती थी, वहाँ पे ये मेरे पास आए 3-4 दिन, बोले कहते कोमल जॉब नहीं करनी। मैं ठीक है तुम्हें पसंद नहीं है, जॉब छोड़ दी। मैंने उसी दिन वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के 4th दिन ये फिर मेरे लात मार के आगे, फिर मैंने फिर भी चलो ठीक है, मैं इनकी मम्मी के आगे भी रोई जिखी बहुत ज़्यादा, मैंने ये बात बोली। अभी भी मतलब ये दिसंबर में फिर मेरे पास आए, दिसंबर में आए तब मैं पब्लिक सिक्योरिटी में लगी हुई थी, पब्लिक सिक्योरिटी में लगी हुई थी, तब भी इन्होंने मेरे को ये बोला कोमल कंटिन्यू नहीं करना। मैं बोल ठीक है, अगर आपकी खुशी इस चीज़ में है तो मैं कंटिन्यू नहीं करती, जैसे आप बोलोगे वैसे ठीक है। अब ये मेरे पास आए थे 3 से 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ये मेरे पास आए, नहीं ये आए थे मेरे पास शायद 2 हफ्ते पहले आए थे। आके मेरे को यूँ बोले कहते कोमल तेरे को जॉब कंटिन्यू नहीं करनी, तू घर बैठ, जो भी खर्चा होएगा मैं दूंगा। मैं बोल ठीक है, जिस चीज़ में आपकी खुशी है मैं उस चीज़ में राजी हूँ। तो मैंने मेरी सास से भी बात की, मगर मम्मी आप इनसे बात कर लो जिस हिसाब से ये कहेंगे। तो आ रहे थे जा रहे थे, सब कुछ ओके था भाई, 1.5 हफ्ते से सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवे नहीं, कोई किसी चीज़ की लड़ाई नहीं। तो मेरे को एक दिन दोपहर में फ़ोन आया, कहते तेरा मेरा दिल नहीं मिलता और मैं तेरे घर पे नहीं आता। मैं बोली बात तो बताओ क्या है। अब मैंने तो कहते कोई बात नहीं है, बस तेरा मेरा दिल नहीं मिलता। मैं बोली ठीक है, मैंने मम्मी के पास गई, मैं बोली मम्मी जी ऐसी बात है, जिस हिसाब से कहेंगे, अगर यूँ कहेंगे ना मैं तो भाई टूटे हुए घर में तेरे को रखूँगा भाई, मेरे को तो सुलाने की भी जगह नहीं है, मेरे साथ सड़क पे सो रहा है, मैं वहाँ भी सो जाऊँगी। कहीं इनको यूँ बोल दो भाई ढंग से भी घर पे रह लो, क्योंकि मेरे को वही कहते हैं ना भाई अपने बच्चों, मेरे बच्चों का बाप मेरे को मिल रहा था, मेरे को मैंने मेरे हस्बैंड तो उस दिन खो दिया जिस दिन वो गलत कामों में लगे, मेरे को मेरे बच्चों के बाप की ज़रूरत है भाई, अपने बच्चों को तो संभाल ले कम से कम, मेरे बच्चों का भी खर्चा नहीं देते, मेरा भी खर्चा नहीं देते। ठीक है, अब नौकरी मेरी छुड़वा दी, कल मेरे पास ऑफिस से फ़ोन आया है कहते कोमल कंटिन्यू नहीं करना, एक काम करो पहले अपने फैमिली मैटर सुलझाओ उसके बाद कंटिन्यू करना। मैं बोल ठीक है दीदी, जैसे आपको ठीक लगेगा मैडम वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये तो बात रही आपके निजी मामले, अब आते हैं उन इल्ज़ामात के ऊपर जो आपके ऊपर लगाए गए हैं। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने आपको कुछ
आपके ही ऑफिस में जब वो गए आपके छोटे भाई के साथ, तब आपका पर्स उन्होंने वहाँ पर देखा, लेकिन जो आपके वहाँ पर मैनेजर थे या फिर जो भी आपके सर थे, उन्होंने ये बात बोली कि आप वहाँ पर नहीं हो। उन्होंने छुपकर देखा भी आपको और आप ऑफिस के अंदर से ही निकल गए। तो इसके बारे में क्या, इस बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि उस टाइम पे शायद शादी को मेरे हुए थे 8 महीने, 8-9 महीने सितंबर में मेरी शादी हुई, तो एक गर्मी निकल के भाई दूसरी ठंड चालू हुई थी, तो सर्दी का मौसम था ऑफिस में, मतलब मेरे को वहाँ 5-6 दिन ही हुए थे जाते हुए, प्रॉपर्टीज़ का काम था उनका, तो मैंने मेरा पर्स निकाला और ऑफिस में ना एक मैडम रख ली थी, ये अपने न्योली गांव से 8-1 किलोमीटर कोई लेडीज़ है, उसका मतलब बच्चा भी पोलियो से ग्रस्त था, ठीक है, और वो लेडीज़ भी मंदबुद्धि थी, उसको रख लिया भाई पानी वगैरह पिलाने के लिए। तो मैं उसको बोली, कहते दीदी आप कहीं जाओगे, मैं बोली हाँ जी मैंने जाना है, तो कहते कहाँ, मैं बोली फिर मैं उसको ये बात, मैं किसी ने आना है उसके आने के बाद मैं निकलूँगी, मैं पर्स ऐसे कैसे टेबल पे रख के, और मैं चल ऊपर चली गई, क्योंकि वो जो सेक्टर 14 में एंट्री करते जो बने हुए फ्लैट्स बने हुए उनमें वॉशरूम सबसे ऊपर था उस टाइम पे, तो मैं मतलब वॉशरूम चली गई और ऊपर धूप निकली हुई थी, मैं ऊपर धूप में बैठ गई, तो मैं नीचे आई, नीचे आने के बाद शायद ये आके चले गए थे, मेरा भाई था साथ में उस टाइम, मेरा भाई 13-14 साल का था आई थिंक, और मेरा भाई और ये दोनों आके चले गए वहाँ से। उनके जाने के बाद मतलब मेरे को बोली, कहते दीदी आपके हस्बैंड और वो आए थे, आप कहाँ चले गए थे, मैं बोली मैं तो ऊपर बैठी थी। तो उसके बाद फिर ये वापस आए, वहाँ पे मानव इंस्टीट्यूट में मतलब पार्टनरशिप में है कोई, विजय विजय नाम करके है उनका, तो वो आए, उन्होंने इसको समझाया भाई ये ऊपर गई हुई थी, हमने मंदबुद्धि लड़की रख रखी है, मेरा भाई भी था उस टाइम पे, उसको समझाया, तो उस टाइम तो मेरी गुड़िया भी नहीं हुई थी, 8 महीने शादी को हुए थे, उस टाइम में मेरे को छोड़ सकता था, अगर मैं गलत थी, इसने मेरे को गलत देखा तो उस टाइम छोड़ सकता था, आज 11 साल बाद कैसे याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बात भी बताई गई कि आपको गाड़ियों में भी देखा गया है 2-3 बार, कभी पुष्पा कॉम्प्लेक्स में भी देखा गया, अभी भी आप जहाँ जॉब करते थे उनके लिए भी बोला गया है। तो मैम देखो एक ही बात बोलूँगी, आदमी है कोई सिक्सर नहीं है वो, कि अपनी वाइफ अगर गाड़ी में जा रही है तो उस गाड़ी का नंबर नहीं है, उस गाड़ी को रोक के अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के खींच नहीं सकता कि भाई हाँ तू किसके साथ जा रही है, ठीक है, क्योंकि अभी मतलब 3-4 दिन पहले मेरे पास भी फ़ोन आया, कहते मेरी सास के पास फ़ोन आया, कहते मम्मी ये है ना किसी आदमी के साथ गाड़ी में बैठी जा रही, मैं 10 to 5 अगर ड्यूटी करती हूँ, मेरे घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो भी किस टाइम मैं जाती हूँ किस टाइम मैं आती हूँ, जहाँ काम करते हैं आज के टाइम में हर ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं, मेरे पास मेरी 1-1 सेकंड की रिपोर्ट है, मैं किस टाइम जाती हूँ किस टाइम आती हूँ किस टाइम मैं वहाँ बैठती हूँ जाके। यहाँ तक भी बोला गया था कि आपके पड़ोसियों ने भी उनको ये बात बताई है कि आप 12 बजे जाते हो 3 बजे वापस आते हो, और हर बार जब भी आते हो 10,000 कभी 15,000 इतने आप पैसे साथ में लेके आते हो। मैम इतना ही अगर मेरे पास होता तो मैं किराए के मकान में बैठती, प्लाट लेके मेरे बच्चों के नाम करती और इस जैसे आदमी के लात मारती, जेन्युइन सी बात है, अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं एक आदमी के पीछे क्यों दिहाड़े भुगती, भी तेरे बच्चे संभाल, 2 बेटियों की माँ हूँ मैडम मैं, मार्केट में निकलने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा, अब इसने तो मेरे करेक्टर पर उंगली उठा दी, कल को अगर इसने ये बात उठाई है तो इस चीज़ पर मेरी बेटियों के करेक्टर पर उंगली उठेगी, मेरी बेटी 8-9 साल की हो रखी है, कल को वो बड़ी हो रही है, बड़े होने के बाद भाई फ्रेंड सर्कल भी ऐसा बनेगा, जहाँ पे उनका सर्कल है वहाँ पे इनका भी सर्कल बनेगा, तो कल को मेरी बच्चियों पे जवाब नहीं उठेगा कि तेरा फादर ऐसा। ठीक है, साथ के साथ एक बात और बोली गई थी कि उन्हीं के एक एडवोकेट फ्रेंड के साथ भी आपको देखा गया था। मैडम इन बातों का कुछ यूँ कहते हैं ना तोड़ नहीं होता, अगर देखा है तो तुम कहाँ थे, तुम थे कहाँ उसके मारे नहीं। हाँ मैं ये मेरे घर पे आए थे, घर पे आने के बाद मेरा भाई सामने बैठा हुआ था, तो इन्होंने मुझे भाई मैं बोली बात क्या होगी, मैं सो के उठी मेरे को फीवर था, कहते कोमल चाय बना ले, 7-7:30 बजे का टाइम, मैं उठी, उठ के मैं बोली चलो ठीक है मैं करती हूँ, क्योंकि फीवर हो रखा था। ये इन्होंने क्या किया, अपने कपड़े उठाए और उठा के अपनी मम्मी के घर पे, मैं बोली बात तो बताओ कम से कम बात क्या है, मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया, कहते घर आ जा बात कर ले, मैं बोली ठीक है। तो मैंने यहाँ एप्लीकेशन दी, क्योंकि इन्होंने मेरे थप्पड़ मार मुर के ये मेरे और एकदम घर से निकलाए थे, उस टाइम मेरा भाई इनके साथ ही था,
तो मैंने सिर्फ एप्लीकेशन दी कि भाई ये इंसान आज के बाद मेरे नंबर पे ना फ़ोन आना चाहिए, क्योंकि मैं इस पे डिवोर्स का केस फाइल करूँगी। अगर वो एप्लीकेशन अभी भी एप्लीकेबल होगी तो भाई चेक कर सकते हो जाके। तो भाई इस आदमी से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं इस आदमी से बिल्कुल कांटा करना चाहती हूँ। इस चीज़ के लिए मैंने आगे एप्लीकेशन दी। तो रोहित भाई साहब हैं, इन्हीं के ही दोस्त हैं, क्योंकि मैंने सेक्टर 1-4 में कमरा ले रखा था, तो उनके साथ उनकी उठ बैठ थी। तो इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई कर दी थी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ मिलगढ़ चौकी में भी काफ़ी मतलब हंगामा हुआ था उस बात को लेके। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि भाभी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार आपका केस रिटर्न ले लो, अगर इन फ्यूचर आपको कोई रिक्वायरमेंट रहती है भाई, इसके ऊपर केस फाइल करना है आपको, कहीं पे भी मेरे जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ मतलब एक भाई की तरह लगा लो, दोस्त की तरह लगा लो, या मतलब जो आपके ठीक लगे, दोस्त मान लो, भाई मानो भाई मान लो, जेठ मानो जेठ मान लो, भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। तो इस नाते मैंने उनके पास फ़ोन कर दिया, मैं कहा भाई साहब यूं यूं बात है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मतलब मेरे को बोला भाई कोमल तू जाने, तेरा काम जाने, मैं बीच में नहीं आऊँगा। फिर इन्होंने मुझे देख लिया, देखने के बाद इन्होंने बुलाया उसको चौकी में, चौकी में बुला के मेरी सास ने भी उसके थप्पड़ मारे। तो वो दिन है, आज का दिन है, मैं उनसे कभी ना मैंने उनको फ़ोन किया, ना मैं कभी उनसे बात करी, ठीक है। फिर भी उनकी वाइफ को फ़ोन करके, तू तो उसके साथ है, तू तो उसके साथ है, वकीलों के साथ तू है, अगर मैं कोर्ट में जा रही हूँ, मैंने कोर्ट केस फाइल कर रखा है, तो वकीलों के पास तो मैं जाऊँगी, जेन्युइन सी बात है। वकीलों को मेरे को दोबारा एक इल्ज़ाम भी लगाया गया कि वो एडवोकेट तैयार होके ऑफिस जा रहे थे, पीछे से आप और आपकी मदर गए हैं और उनके ईंटे वगैरह मारकर उनके गाड़ी के शीशे तोड़ के और वापस आ चुके। नहीं मैडम, नहीं सर, क्योंकि मेरी सास मेरे साथ गई थी, मेरी बेटी है ये 2 साल की है, तो इसको रात को फीवर हो गया, क्योंकि वो 11-12 दिन अभी मेरे पास यहीं रह के गए हैं, सब कुछ मतलब ओके था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये बोले कहते कोमल मैंने जाटनी को है ना, मतलब जिसके साथ वो एज प्रेजेंट रह रहे हैं, तो उसने किसी दूध वाले को अपने रूम में बिठा रखा था, तो इनको दोपहर में कोई काम हो गया तो वो घर गए होंगे, तो इसने देखा भी जाटनी और वो दोनों एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, बेड पे बिठा रखा था उसको। तो मेरे को जो बातें बताई मैं आपको वही बात बता रही हूँ जो किरण मलिक ये बता रहे हैं उसको, मतलब फिर ये बोले कहते मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, मेरे को तो मेरे बच्चे संभालने हैं। मैं बोल ठीक है तुम्हारे बच्चे संभाल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये आप वापस यहाँ पे आ गए, आने के बाद मेरे को बोले कहते फरीदाबाद जा रहा हूँ मैं, 27-28 तारीख की बात है, 27 तारीख की मेरे को बोले फरीदाबाद जा रहा हूँ। मैं बोल ठीक है, शाम को मैंने फ़ोन किया इनको कि मैं पहुँच के एक बार मेरे पास कॉल कर देना, कहते ठीक है। तो रात को भी इनका फ़ोन स्विच ऑफ, अगले दिन सुबह भी फ़ोन स्विच ऑफ, मैंने फ़ोन किया कहते कहाँ पे हो, कहते होटल में हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये बात कह के फ़ोन कट कर दिया। कट करने के बाद अगले दिन नहीं आए, 3-4 दिन मतलब रेगुलर ये आए नहीं। आने के बाद इस गुड़िया को हो गया फीवर रात को, पापा कहाँ पे है, क्योंकि ये अपने फादर के क्लोज ज़्यादा है, पापा कहाँ पे है, मेरे को पापा से मिलना है, रात को फीवर में भी यही कहे जा रही थी। तो मेरी सास बोली भाई चलो बच्चों को मिलवा के लेके आते हैं, मैं दोनों बच्चों को लेके, मेरी सास थी मैं थी, हम तीनों मतलब चले गए। जाने के बाद वहाँ पे भई ये दोनों बैठे हुए थे, वो लेडीज़ प्रेस कर रही थी, रुक जाएगा बेटा बीच में मत आओ, ठीक है गेट बंद करते बेटा। वो लेडीज़ हम गए, मैं अंदर नहीं गई, मेरी दोनों बेटियाँ गई, मेरी सास गई अंदर। तो वो लेडीज़ प्रेस कर रही थी, ये बैठे लेटे हुए थे बेड पे, और एक आदमी और सामने बैठा हुआ था, वो आदमी मेरी सास के अंदर जाते ही निकल गया। और फिर हमने सिर्फ एक ही बात कही भी देखो अनिल, नौकरी मेरी छुड़वा दी आपने, मैं बच्चे कैसे पालूं, अभी आए थे मेरे पास भाई गुड़िया के अकाउंट में 10,000 रुपये मैंने सेव कर रखे थे, उसमें से 5,000 रुपये वो मुझसे लेके गए हैं, गाड़ी इनको परचेज करनी थी, तो 70,000 रुपये इनको बयाना करना था, 65,000 इनके पास थे, 5,000 रुपये ये मुझसे लेके भाई बयाना करके गए हैं। तो मैंने फिर भी पैसे दिए भाई चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड है, अगर कोई चीज़ ले रहे हैं मेरे ही काम आएगी। तो जाने के बाद हमने सिर्फ इतनी बात बोली कि देखो जहाँ पे आप रहोगे वहाँ मैं रहूँगी, मेरे को एक कमरा दे दो, आपको इसके साथ रहना है, लिव इन में आप रह रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है,
आप इसके साथ रहो, एक कमरा मेरे को और मेरे बच्चों को दे दो, मेरी सास को दे दो, भाई कमा के तुम लाओगे, हम बैठे खाएंगे, नौकरी मेरी गई, ठीक है, इनकम सोर्स मेरा गया, तो मेरे पास बचा क्या। लेकिन उन्होंने तो आपके ऊपर जो डिवोर्स का केस भी फाइल किया हुआ है, उसके बावजूद भी आप उनके साथ रहना चाहते हो, क्योंकि जबकि वो आपको रखना ही नहीं चाहते। तो डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ सर मैडम, उन्होंने किया हुआ है ना, मैंने तो नहीं किया, उन्हीं की बात कर रही हूँ कि वो आपको रखना ही नहीं चाहते हैं, फिर भी आप जबरदस्ती उनके साथ। निकालो, गलती तो निकालो, मैं मेरे सासरे में बैठी हूँ आज के टाइम में, ठीक है, मेरी सास मेरे बच्चों को संभालती है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो किरण और अनिल जी का जो अफेयर है वो आपको पता है कि वो उनके बीच में अवैध संबंध है, आप कन्फर्म हो उस चीज़ के लिए, उसके बावजूद भी फिर आप उनके साथ रहना चाहते हो। तो मैडम बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, दूसरी शादी करूं, मेरे बच्चों को बाप का प्यार मिल जाएगा, बाप का नाम मिल जाएगा। लेकिन उनका ये कहना है कि मैं कोमल के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रखना चाहता हूं, अगर वो मुझे दे देगी दोनों बच्चे तो मैं अपने बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी और अपने पेरेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी उठाने को तैयार हूं। देखो मीडिया में बात ही आ गई है, मैं एक हफ्ते के लिए मेरी दोनों बच्चियां मैं उसके पास छोड़ने को तैयार हूं, मैं रात को दिन को, भाई रात को मेरे बच्चों से मेरी बात करा देगा, मैं एक हफ्ते के लिए मेरी बच्चियां उसके पास छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे बच्चे जाने को एग्री हैं तो, क्योंकि मेरी बच्चियां दोनों की दोनों मुझे 2 घंटे के लिए भी इनको गवारा नहीं है, क्योंकि दिन में अगर मैं ऑफिस में जाती हूँ तो भी मतलब इनके कम से 5 से 7 वीडियो कॉल आ जाते हैं, मम्मी कहाँ हो, कितनी देर में आ रहे हो, मैं इतने छोटे छोटे बच्चों को मैं छोड़ के जाती हूँ। एक काम करेंगे, 15,000 रुपये मुझे, भाई मेरी सास है, मेरी ससुर है, मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं हूँ, 15,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 15,000 रुपये मुझे खर्चा देंगे, घर के बाहर कदम नहीं टेकूंगी, घर पे रहूँगी, बच्चे संभालूंगी अपने। अब वो कह रहे हैं आपके इन लॉज आपकी साइड है, हाँ जी, तो फिर अभी भी आप उनके साथ क्यों नहीं रह रहे हो, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हो? ये मतलब घर में थोड़ा बहुत सामान है, क्योंकि मैंने पहले रेंट पर ले रखा था, ठीक है, तो अभी ये थोड़ा बहुत सामान मेरे मदर फादर का रखा हुआ है, वो मतलब शिफ्ट करते हैं, मेरी सास अभी यहाँ पीछे 2 गली पीछे रहती है, वो भी अभी गई है आगे, ठीक है, तो बस 1 तारीख को 2 तारीख को भाई ये मंथ हो रहा है, फिर मैं घर पे शिफ्ट करूँगी। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगी कि उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि आपकी जो खुद की फैमिली है, जो आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने आपको बेदखल भी कर दिया, इस बात में कितनी सच्चाई? बेदखल नहीं कर रखा, मेरे भाई का मेरे पास अभी भी फ़ोन आता है, बात होती है, मेरे पेरेंट्स अभी, मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी, ठीक है, कोई इशू हो गया तो मेरे पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो वो अपने घर चले गए, अभी पापा का भी ज़रूरी है, अभी मम्मी नहीं संभालेगी तो कौन संभाल लेगा, जेन्युइन सी बात है। जिस समय आप सबसे पहले मीडिया के सामने आए थे उस समय आपको काफ़ी गंभीर चोटें भी लगी हुई थी, तो वो चोट के निशान कैसे, वो चोटें आपको कैसे लगी? वो चोटें मैडम क्योंकि ये अंदर से मतलब अंदर से निकले, मेरी सास भी मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरी गुड़िया के भी गर्दन पर चोट आई है, ये मार पिटाई करके घर से निकल गए, घर से निकलने के बाद हम निकले गली में, तो इसके साथ जो लेडीज़ रहती है वो ईंट उठा के लाई और वो मुझे मारने लगी, तो मैं गाड़ी के आगे खड़ी हुई थी, तो एकदम मैं गाड़ी से हट गई, गाड़ी से हटने के बाद गाड़ी के आगे भी ये निकलने लगे गाड़ी लेके, मैं गाड़ी के आगे खड़ी होगी, भी कहीं नहीं जाना, बैठ के बात करेंगे, घर चलो, घर चल के बात करेंगे, हमें किस बात का जुलूस निकालना था, अभी जेन्युइन सी बात है, जहाँ आप रहोगे वहाँ हम रह लेंगे। तो गाड़ी के आगे से मतलब मैं हट गई तो वो शीशा जाके गाड़ी के ऊपर लगा, मैंने कोई तोड़ फोड़ने की, कोई मार पिटाई, बल्कि 3 से 4 लाते हैं मतलब इन्होंने मेरे पेट के अंदर मारी है, और मार पिटाई इतनी ज़्यादा की है, मतलब मेरी मदर इन लोगों के साथ भी मार पिटाई करी है, मेरे साथ भी करी है, हाथ पे मेरे यहाँ ईंट लगी हुई थी, अब तो शायद निशान चला ही होगा, ये लगी हुई है, ठीक है, ये लगी हुई है, तो काफ़ी, ये देखो अब 5-7 दिन हो लिए तो निशान चले गए हैं, तो जेन्युइन सी बात है मैडम, मैंने कोई मार पिटाई करी है तो वो 6 फुट के आदमी है, वो किसके काबू आएंगे, आप मिल के आए हो उनसे, तो ना तो आपको यूँ लगा कि भाई वो कहीं से हैंडीकैप्ट है, ना आपको यूँ लगा कि भाई उनके कोई शारीरिक प्रॉब्लम है कि वो एक औरत की मार खा जाएंगे, ठीक है, आदमी है कोई, यूँ तो मान के चलो ना कि भाई एक वाइफ ने थप्पड़ मारा और आदमी ने खुशी खुशी यूँ कह दिया भाई ले दूसरे गाल पे और थप्पड़ मार, इतना अपना गांधीवादी समाज तो है नहीं कि भाई एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरे गाल आगे कर देगा, और गुजरों में तो आपको पता ही है भाई कैसा नेचर होता है, कैसे क्या कुछ होता है। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं,
तो आप इन लोगों से क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जनता ही है जो हर चीज का फैसला आज के समय पे करती है, कौन सही है कौन गलत है, तो आप अपने पक्ष में जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं यही बात कहना चाहूंगी कि मैं मेरे बच्चे, देखो मैं मेहनत करके मेरे बच्चे पाल रही हूँ, अगर वो खर्चा देने को एग्री है, ठीक है, अगर मेरा सपोर्ट करना चाहे भी, कोर्ट केस मेरा जल्दी फारिग हो जाए, क्योंकि 11 महीने हो गए मेरे को कोर्ट में जाते जाते चप्पल की सवाते, 11 महीने हो गए मेरे को केस फाइल किए, तो ना तो ये तारीख पे आता, ना ये इनको यूं कि भाई हाँ ले मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और हैं तो भाई कोई खर्चा दे या कुछ और, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो खुद एडवोकेट है, नहीं है, 10वीं फेल है मैडम, हिंदी में फेल है 10वीं में भी। जो आपके हस्बैंड है अनिल जी, वो एक एडवोकेट नहीं है? नहीं है मैडम। ये तो पहला एक मतलब सुनने में आया, क्योंकि जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था तो हम खुद कोर्ट में जाके उनका इंटरव्यू लेके आए थे, और अभी उनकी वाइफ जो है उनका कहना है कि वो एडवोकेट नहीं है, वो 10वीं फेल है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है हम तो नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करके बताएंगे कि फिर वो उस दिन हमें कोर्ट में कैसे मिले? कोर्ट में मैम उनके ना ट्रस्ट है खुद की, अपना चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, जिसमें वो लव मैरिज वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो वकीलों के साथ उठना बैठना है, तो चैम्बर में जाके इंटरव्यू देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हॉल में सारे दिन बैठे रहते हैं, वकीलों के साथ उठ बैठ है, बल्कि वकीलों के पैसे फिलहाल मैं जाया कर रही हूँ, अगर वकील को फीस देनी पड़ रही है तो मुझे देनी पड़ रही है, मैं मेरे बच्चों का पेट काट काट के कैसे क्या कर रही हूँ वो मेरे को पता है, ठीक है, उनका कुछ नहीं लग रहा, वो तो वो कहते हैं ना किरण मलिक जो है उनका भूत ऐसा जबरदस्त सवार हो रखा है, क्योंकि जो औरत अपने बच्चों की नहीं है, उसके खुद के बच्चे अभी मतलब पिछले महीने उसके बच्चों, जो लेडीज है जिस लेडीज के साथ वो रह रहे हैं उसके बच्चों की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उनके बच्चे कह रहे हैं कि मुझे मेरी मम्मी के साथ नहीं रहना क्योंकि मेरी मम्मी हमें ताले के अंदर रोक के जाती है, ठीक है, इस वजह से हमें उसके साथ नहीं रहना, और रात को अगर इन्होंने मतलब एक चीज और बोली थी, शायद आपने गौर ना किया हो कि मेरे ऑफिस में एज ए स्टाफ काम करते हैं, मैं अभी आपसे यही जानने वाली, ठीक है, एज ए स्टाफ अगर काम करते हैं तो रात को 10 बजे तुम उनके घर पे क्या कर रहे हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं रिकॉर्डिंग अगर आप अभी मुझे कहो तो मैं आपको सुना सकती हूँ उन बातों की, रात को, क्योंकि जो लेडीज के साथ ये रहते हैं उसकी सास ने मतलब मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन किया, हस्बैंड के नंबर पे, उसके बीच में वो लेडीज मतलब बीच बीच में बात किए जा रही थी कि इन दोनों का तो ऐसे ही है वैसे है, गालियां दे दे के मेरे पति ने फ़ोन कट कर दिया आगे से, तो रात को तो 11 बजे उनके घर पे क्या कर रहा है, अगर वो लेडीज़ तेरे साथ नहीं रहती तो वो लेडीज़ तेरे घर पे क्या कर रही है, और सेकंड बात ये कि अगर वो अलग से रह रही है, तूने अलग से ले रखा, तू उसके घर पे क्या कर रहा है? एक बात और सभी जानना चाहेंगे, और मैं भी ये बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप अपने सास ससुर से अलग रहे क्योंकि आपकी उनके साथ बनती नहीं थी, ठीक है, ये बात है, और उसके बावजूद भी आपके हस्बैंड ने उस दिन ये बात बोली कि भाई मैं चाहता था कि मेरा परिवार बसा रहे, मेरे बच्चों के साथ मैं रहूं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अलग से घर ले लिया, उसके पीछे का कारण क्या था? वो है ना, शादी हुई थी मेरी, क्योंकि इनकी थोड़ी राजस्थानी फैमिली थी, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, अभी आपसे भी वो अलग रहते हैं आपके हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अभी पहले मैं उनको लेकर टिब्बा दाना सिर में रहने लगा अपनी वाइफ को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपना भी एक अलग से घर लेके रहता हूँ क्योंकि मैं अपनी वाइफ से परेशान हूँ। नहीं मैडम, वो चंद्रलोक कॉलोनी में रहते हैं, मेरी सास मेरे पास आज एक महीना हो गया भाई, मेरी सास से मेरी मतलब काफ़ी अच्छी बनती है, वो आते हैं मेरे पास तो सारी तरीके की बात होती है भाई, मम्मी जी ऐसे मम्मी जी ऐसे, वो 12 दिन अभी मेरे पास रह के भी गए हैं मेरे पति, ठीक है, अगर मैं इतनी गलत हूँ तो वहाँ से मार खाने के बाद मैं कैसे दिखती हूँ उनको कि 12 दिन वो मेरे पास रह के गए हैं फरीदाबाद का नाम लेके, मैंने अगर उनको कुछ भी बोला हो, रात को एक मैं रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ आपको, रात को 23:23 की रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बोला गेट खोल दे, मैं गेट के आगे खड़ा हूँ, मैं ठीक है खोलती हूँ, रात को 12 बजे आए, मैंने उनको खाना भी बना के दिया, ठीक है, सुबह जाते टाइम अच्छा टिफिन पैक करवा के लेके जाते थे, कोई आनाकानी नहीं थी, फिर भी मतलब बंदा झूठ झूठ बोल के अगर वहाँ चला गया तो उसमें मेरी खोट है, मैं अगर मेरे बच्चे मेहनत करके पाल रही हूँ तो उसमें मतलब मेरा खोट है, अगर मतलब करैक्टर पे भी मेरी उंगली उठती है, क्यों? क्योंकि मैं अगर मैं मेरा करैक्टर ख़राब है
तो मैं एक आदमी के पीछे क्यों भागूंगी? आदमियों की कमी है, सड़क पे चलते चलते आदमी कर लो आज के टाइम में, और उससे 10 गुना दर्जा अच्छा इंसान मुझे मिल जाएगा अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो। मगर मुझे नहीं ढूंढना, मेरे को मेरे बच्चे दिखते हैं। आज के टाइम में यूँ कहते हैं ना, आदमी कुत्ता कहते हैं, कुत्ते से भी मतलब यूँ मानो बदतर मेरे हस्बैंड है। मैं तो आपको जेन्युइन सी बात कह रही हूँ, ये बातें बोलने नहीं चाहिए एक औरत को अपने पति के बारे में, मगर उनका काम ही ऐसा है। ठीक है, एक के साथ रह के आए, फिर दो के साथ, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे मतलब इनकी और उस लेडीज़ की चैट पढ़ी। उसने किसी लेडीज़ की फ़ोटो भेज रखी, कहते हैं ये मेरी फ्रेंड है, ये आपसे दोस्ती करना चाहती है, तो कहते कौन सा होटल बुक कराऊं और कौन कितना टाइम फिक्स करूं। ठीक है, होटलों में इनकी जान पहचान है। एक बार मैंने, ये होटल हाईवे है, वहाँ पे मैंने मतलब इनकी गाड़ी खड़ी देखी, तो मैं जाके मैंने मेरी सास को फ़ोन किया, मम्मी यहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी है और इनसे पूछो कहाँ पे है। तो कहते मम्मी मैं तो किसी कपल को छोड़ने गया था। मैं ठीक है, छोड़ने गए थे, आने के बाद वही मेरे साथ मार पिटाई, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी। अरे मैं कहीं गलत हूँ? फिर जिस हिसाब से कह रहे हैं उस हिसाब से रह रही हूँ, जिस हिसाब से मुझे बोलते हैं उस हिसाब से चलती हूँ। नौकरी करनी है तो अगर यूँ कहते हैं ना, एक औरत तो औरत बिना मर्जी के पैर अपना बाहर नहीं रख सकती। खुद उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि भाई हाँ तू नौकरी कर, इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, फ़ोन में डिटेल्स है, सब कुछ है, भाई तू नौकरी कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर टाइम से जा, टाइम से आ। तो मेरे पास सब चीज़ों के जब डिटेल है, मुझे क्या दिक्कत है? आपके पास किसी प्रकार के कोई सबूत भी मौजूद है? हाँ जी, दिखाना चाहेंगे? हाँ दिखा दूंगी मैडम। मेरे फ़ोन में कुछ ऐसे सबूत हैं मैम, जैसे ये कहते हैं भाई किरण मलिक से मेरे कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिसमें इन्होंने मतलब ये चीज़ मेंशन की हुई है कि मैं किरण मलिक, मैं तो उससे मतलब, इन्होंने आगे आई लव यू का भी मैसेज ड्रॉप कर रखा है। साथ में कुछ ऐसे अश्लील मैसेज भी मतलब मेरे पति के पास भेज रखे हैं कि मैं नहीं रह सकती, ठीक है, तुझे मेरे पास वापस आना होगा। जो फोन वीडियोस होती हैं वो देखते हुए कि इसने, लेडीज़ ने फ़ोटोज़ वगैरह मतलब आगे शेयर कर रखी हैं, और कुछ एक वीडियोस मतलब मेरे पास ऐसी भी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर घर होते हैं तो वो लेडीज़ मतलब इतनी गलत तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह भेजती हैं। और ऐसे भी सबूत मेरे पास हैं जिसमें कि भाई उसकी खुद की सगी भाभी है जो पूनम, उसका फ़ोन नंबर उसने दिया हुआ है उसके अंदर कि भाई मेरी भाभी है, मैं मेरी भाभी से बात कर रही थी, तू बात कर ले मेरी भाभी से, ठीक है। तो उसकी भाभी, उसकी फैमिली, जो उसके भाई हैं, उसकी भाभी है, उसकी मम्मी है, वो सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व है मैडम। गुत्थी जो है लगातार उलझती ही जा रही है, जहाँ जिससे भी बात की जाए, चाहे वो इनके हस्बैंड से बात की तो उन्होंने इनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए, इनसे बात हुई तो ये सबूत के साथ हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह के जो हैं उनके और जो वो महिला है जिनका नाम है किरण मलिक, उनके बीच में संबंध है। कुछ ऐसे सबूत भी इन्होंने हमें दिखाए हैं जो हम कैमरा के सामने नहीं दिखा सकते हैं। तो जिस तरह से पहली वीडियो को देख करके आप लोगों ने कमेंट करके ये चीज़ें बताई थी कि कौन सही है कौन गलत है, उसी तरह से आप सभी से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखकर भी एक बारी, क्योंकि जनता जनार्दन है वही फैसला करती है कौन सही है कौन गलत है, तो इस वीडियो को देखकर भी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इनके हस्बैंड सही है या फिर ये खुद सही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष की बात हमने आपको दिखा दी है, सुनवा दी है, सारा का सारा मामला जो है वो आपके सामने आ चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिएगा। मैं सोनिया ऐसी ही किसी खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।